दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के फैन के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल शामिल होंगे चेन्नई सुपर किंग की टीम में। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग के फैन है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जैसा कि दोस्तों आईपीएल 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग की टीम ने जीता और ये जीत चेन्नई सुपर किंग की 5वीं जीत है और इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग की टीम आईपीएल के इतिहास के सबसे मजबूत टीम बन चुकी है। ऐसे में आईपीएल 2024 की तैयारी सभी टीमों की फ्रेंचाइजी ने शुरू कर दिया है। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम ने अपनी तैयारी को और मजबूत करते हुए आईपीएल 2024 के लिए जुट गई है। यहां प्रतिदिन टीम के बीच किस खिलाड़ी को रिलीज और किस खिलाड़ी को टारगेट और ट्रेड करना है इसकी चर्चा प्रतिदिन हो रही है और महेंद्र सिंह धोनी ने तो अभी से ही मैदान पर जाना शुरू कर दिया है, जिससे ये लगता है कि आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग की टीम काफी मजबूत होने वाली है। वहीं अगर पिछले साल यानी कि आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग की प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआती मुकाबले में लड़खड़ाते हुए नजर आए थे, लेकिन बाद में धोनी की कमान ने पूरी टीम को पटरी पर लाया और अपने प्रदर्शन को न ठीक किया बल्कि उन्होंने अपनी कप्तानी से आईपीएल 2023 की ट्रॉफी भी जीती। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम केएल राहुल को ट्रेड कर अपने टीम में शामिल करने वाली है। दोस्तों बात यहाँ तक आ गई है कि चेन्नई सुपर किंग की टीम केएल राहुल को शामिल करने के लिए दो बड़े खिलाड़ी को भी ट्रेड करने के लिए तैयार है और चेन्नई सुपर किंग की टीम पूरी कोशिश कर रही है कि केएल राहुल को लखनऊ सुपर जॉइंट की टीम ट्रेड विंडो में डाल दे ताकि चेन्नई सुपर किंग की टीम केएल राहुल को ट्रेड करके अपने टीम में शामिल कर ले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग की टीम में केएल राहुल के आते ही क्या चेन्नई सुपर किंग की टीम और मजबूत हो जाएगी या नहीं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि चेन्नई सुपर किंग से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।